बाय निशात। बेकरी क्लासिक कुकीज, कुदरत के जायकों का मिलाप, अंडे और दूध के साथ। लू के नए बेकरी क्लासिक कुकीज, जायके खुशियों के। मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स। हर खुशी निशात बाय निशात। मोबी रिंग जैज के साथ 3 करोड़ लोगों से करीब घंटों बाद इंतहाई कम रेट पर, सिर्फ 1 मिनट के रेट पर पूरा 1 घंटा बाद। अभी ऑफर हासिल करने के लिए जैज इजी पर आए और *105*1# बनाए। ऐसी ऑफर और कहाँ, इसीलिए तो मोबी रिंग जैज अपना है। चेहरा तुम्हारी जमीन का, मैं हूं एहसास बेहतर जिंदगी का, हायर इंस्पायर्ड लिविंग। ना सो सकती सुकून से, ना कर सकती आराम, क्योंकि कपड़ा रात में करती थी इस्तेमाल। अब करती हूँ ऑलवेज थिक थिक कुशन, अब लीक ना होगी लापन लगे ना दाग। 8 घंटे तक ऑलवेज, अब सो जाऊँ सुकून से, मजे से करूँ आराम, खुश हो ऑलवेज। Always Maxis Ignite, अब एक्स्ट्रा लॉन्ग और एक्स्ट्रा लॉन्ग वैल्यू पैक में। लू के नए बेकरी कोकोनट कुकीज, कोकोनट और दूध के अनोखे मिलाप से बने, जायका जो भुलाए ना भूले। लू के नए बेकरी कोकोनट कुकीज, जायके खुशियों के। मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स। ओढ़ लो हर लम्हा, ओढ़ लो हर खुशी, निशा बाय निशात। एसोसिएट्स, एक नए जहां की तामीर। तुमने जरूर हारा है, उसकी तुम्हें सजा मिलेगी। दरोगा जिंदान, शहजादी यूनस या शहजादे यूनस को जिंदान में ले जाके कैद कर दिया जाए और फर्ज जुर्माए कर दी जाए। किस बात का रहम, एक तो हमारे शहजादे को लुढ़का दिया, ऊपर से रहम मांगती हो। तलवार भी तुम्हारी अपनी साइज की है, किसको बॉडी दिखा रहे हो। ये लो दरोगा, शहजादे यूनस को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। ऐ चौकन्ने, हम बादशाह होने के बावजूद भी तुझसे सिर्फ एक ही बात करते हैं, एक ही इल्तिजा करते हैं, खुदा ना करे कि तुझे होश आए, क्योंकि तुझे अगर होश आ गया तो तेरे दिमाग में जो खन्नास यूनस का है वो नहीं निकलेगा।
हमने किसी लाश को हंसते हुए नहीं देखा है। इसका मतलब है तुम मरे नहीं हो। मैं तो डर के गिरा था, आपने बोला मर गया। खड़े हो जाओ। मैं बादशाह हूँ, मुझे लुक कराने का कोई फायदा नहीं है। आपके खानदान में से हैंगे? सीधी खड़ी हो जाओ। ए गुर्बत के मारे मुशीर। जी माँ बली। दूर दूर। आज से हम एक ऐलान करना चाहते हैं। हमने बादशाह बहुत कर ली, अब हम चाहते हैं कि हम अपनी ये सल्तनत किसी के नाम कर दें। हमने ये सल्तनत शहजाद कलीम को देके देखी, लेकिन मुल्क में भूख और इफलास के अलावा कुछ नहीं पल पाया। हमने ये सल्तनत शहजाद हकीम को और शहजाद नसीम को देने का सोचा, लेकिन फिर भी मुल्क संभल नहीं सका। हमने एक से पैसालार को देखने की कोशिश की शहजाद चौकन्ने में, खुदा गारत करे तुम्हें। मैं हर नमाज के बाद नमाजियों से बद्दुआएं मंगवाऊंगा तुम्हारे लिए। बहुत सोच विचार के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस सल्तनत को हमारे वजीरे माल और वजीरे कानून के हवाले कर दिया जाए। मलका आलिया, आप तशरीफ ले आइए। ऐ वजीरे कानून, यहां दाहिनी कुर्सी पर बैठो। ऐ वजीर माल, बाहिनी कुर्सी पे बैठो। और याद रखो कि मुल्क में अगर कानून है तो माल महफूज है, चाहे वो लोगों की जान का हो या इमलाक का। अगर किसी मुल्क पे हुक्मरानी करनी है तो लोगों की जानों को तहफ्फुज़ दो, लोगों के माल उनकी इमलाक को तहफ्फुज़ दो, तो फिर तुम्हें रियाया याद करेगी। ऐ मलिका, हमारे पास सब कोई ओहदा नहीं है, हम एकांत से आदमी हैं, एकांत से रियाया। त्याग दिया हमने ये तख्त ये ताज, क्या आप हमारे साथ चलना पसंद फरमाएंगी? जी जहां बना। ये याद रखना दोस्तों, ये मुल्क अगर हम चलाना चाहते हैं तो फिर माल और कानून दोनों की हिफाजत करनी पड़ेगी। लिहाजा हुक्म देते हैं, दरोगा जिंदान, दरोगा ए जिंदान को हाजिर किया जाए। दरोगा, ए दरोगा, वजीर माल और वजीर कानून को फांसी की सजा देते हैं। इन दोनों को ले जाके काल कोठी में बंद कर दो, ताकि आने वाली नस्लें ये याद रखें कि कुर्सी पे हुक्मरानी सिर्फ ताकत की बुनियाद पे चलती है, और ताकत माल और कानून दोनों को खरीद लेती है। तख्लिया।
यकीन के आएगी तेरा तहां कभी, हाँ यकीन के आएगी ये रात तहां कभी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, उठो जागो पाकिस्तान। आप एकदम यूं करके चौंके होंगे जैसे ही आपने हमारा चैनल स्विच किया होगा, क्योंकि उठो जागो पाकिस्तान में आज हम जिस एक्ट्रेस को ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं वो यकीनन पाकिस्तान की 64 साल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की जो तारीफ है उसमें से एक रिकॉर्ड रखी है कि इनसे ज्यादा बड़ी हीरोइन पाकिस्तान आज तक प्रोड्यूस नहीं की। और एक ऐसी हीरोइन उनको हम प्रोड्यूस दे रहे हैं, इसलिए मेरा हुलिया आज उन्हीं की तरह है, थोड़ा बनने की उनकी तरह कोशिश की है। उनका स्टाइल, उनकी लिपस्टिक, उनकी नेल पॉलिश, एक खास कलर की नेल पॉलिश होती थी, खास कलर की लिपस्टिक होती थी जो हर तरह के ड्रेस पर, हर तरह के गेटअप पर कैरी करती थी। आपको हार्डली, अगर सोचें आप कभी शबनम को सोचें, आपको जहन में आता ही नहीं है कि उन्होंने कभी लाइट कलर की लिपस्टिक यूज की हो। आपको जहन में आता ही नहीं है कि कभी उन्होंने काजल, या मैं अभी जब अगले सेगमेंट में ये चश्मा उतारूंगी तो आपको पता चलेगा कि उनके जो एक खास किस्म का लाइनर था वो इस्तेमाल करती थी, और वो सब कुछ आज माजबी ने मुझ पे आजमाया है। थैंक यू वेरी मच मारिया बीका, बड़ी मुश्किल से ये उनका गेटअप किया। तो बहरहाल मैं आपको बता रही थी कि 64 साल हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री है, एक ऐसी हीरोइन जिसने सब हीरोइंस के रिकॉर्ड तोड़ दिए, और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है उनका बनाया हुआ रिकॉर्ड कि उन्होंने उनकी जो फिल्में हैं उन्होंने इतना ज्यादा बिजनेस किया है, इतने हफ्ते वो सिनेमा स्क्रीन पर रही हैं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में आज तक किसी हीरोइन की इतनी ज्यादा कामयाबियां नहीं है जितनी शबनम जी की हैं। और दूसरी मैं आपको एक और बात बता दूं कि उनके बारे में तस्वुर यह है कि वो शायद सिर्फ और सिर्फ नदीम के साथ उनकी जोड़ी मकबूल हुई, नहीं ऐसा नहीं है, उनको वहीदुल्लाह के साथ बहुत पसंद किया।